नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि महंगाई दर 7% से कम, फिर कितना बढ़ेगा सरकारी कर्मचारियों का डीए। तो दोस्तों, कर्मचारियों के डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि कितनी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी होने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार जल्दी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी के डीए में बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है। देश में खुदरा महंगाई दर में जुलाई के महीने में गिरावट आई है और अब यह 7% से नीचे आ गई है। हालांकि महंगाई दर अभी भी रिजर्व बैंक के तहत लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार केंद्रीय कर्मचारी के डीए में इजाफा कर सकती है। दोस्तों, सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारी के डीए में बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कुछ कहा नहीं है। हालांकि सरकार ने साफ कह दिया है कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग लाने की कोई तैयारी नहीं है। डीए सरकारी कर्मचारी की सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सरकार इसमें 6 महीने में बदलाव करती है। पिछली बार सरकार ने मार्च 2022 में डीए में इजाफा किया था, तब डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई थी क्योंकि डीए में बदलाव के 6 महीने पूरे हो गए थे। इसलिए कर्मचारी की उम्मीद थी कि जल्द ही सरकार उनकी सैलरी बढ़ा सकती है। दोस्तों, जुलाई के महीने में खुदरा महंगाई दर 6.71% पर आ गई है। जून में यह 7.01% रही थी। ऐसे में हो सकता है कि सरकार डीए में 4% का इजाफा करे। जब महंगाई दर 7% से अधिक थी तो उम्मीद जताई जा रही थी डीए में 5% का इजाफा हो सकता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी को 34% के हिसाब से डीए मिल रहा है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर कर्मचारियों का डीए तय होता है। दोस्तों, अगर सरकार महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए जुलाई में डीए को 4% तक बढ़ाती है तो इसका फायदा 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। सरकारी कर्मचारी को मिलने वाला डीए उनका वित्तीय सहायता सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, जिसमें सरकार महंगाई के अनुसार डीए को बढ़ाती है ताकि कर्मचारियों के जीवन स्तर किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। एक अनुमान के मुताबिक अभी किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 34% के हिसाब से उसका महंगाई भत्ता 6,120 रुपये बनता है। अब अगर डीए 38% हो जाता है तो कर्मचारी को 6,840 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा। इस तरह उन्हें सालाना सैलरी 8,640 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।